नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। क्लास इलेवंथ की जो ज्योग्राफी है उसके वन शॉट लगातार आ रहे हैं, लेकिन तीन या चार चैप्टर ऐसे थे जो छूट रखे थे, उनको कवर कराने की ये जो सीरीज है इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर सेवन का लेक्चर टू हम देखने वाले हैं, इससे पहले के लेक्चर हो रखे हैं सारे। तो चैप्टर जो सेवन है उससे पहले के लेक्चर अगर हमें देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे लेक्चर आपको रिकॉर्ड किए हुए मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और आज हम लेक्चर जो टू देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर सेवन जो है, जिसका नाम है भू आकृतिक तथा उनका विकास, यानी कि जमीन जो होती है, धरती जो होती है, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन जाया करती है, और उन भू आकृतियां यानी जमीन की उन आकृतियों को किस किस नाम से पुकारा जाता है, क्या क्या नाम उनके रखे जाते हैं, ये चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। विशेषतः हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो नदी की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि नदी क्षेत्रों में किस प्रकार से कौन कौन सी आकृतियाँ बन जाती है। जैसे कोई क्षेत्र मरुस्थल का है, मतलब मिट्टी का क्षेत्र है, तो मिट्टी वाले क्षेत्र में हमेशा हम देखेंगे कि सारा जो मामला होता है वो बालू का स्तूप जैसे अनुदय धैर्य अनुप्रस्थ ऐसे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं, वैसे ही नदियां जहां से गुजरती है वहां कंदराएं और गुफाएं बन जाया करती है। तो आज कुछ ऐसी ही चर्चा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जलोढ़ पंक क्या होता है बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से मस्त तरीके से समझ में आने वाली चीज है गुलगुले कि जलोढ़ पंक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि डेल्टा क्या है और नदी विसर्प क्या है। ये तीनों चीजें आज हम देखने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं, जलोढ़ पंक डेल्टा और नदी विसर्प हमें पढ़ने से पहले हम किसी एक नदी को पढ़ेंगे, कोई भी एक नदी लेंगे और उस नदी को एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर समझते हुए इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। अब कौन सी नदी पढ़ें, एक प्यारी सी नदी कोई सी भी हम ले लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से समझ पाए। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ एक नदी ले लेता हूँ, सिंधु नदी, जो वन शॉट में भी आप जल्दी देखेंगे। सिंधु नदी का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ ताकि हम जलोढ़ पंक को समझ पाए, डेल्टा को समझ पाए। सिंधु नदी में पूरी आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र गंगा इनसे संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर है इलेवंथ की दूसरी वाली बुक में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। ये हमारा जो भारत है इसका उत्तरी जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, उत्तरी पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। पूरा ही कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और इन पर्वतों से भारत की अधिकतर नदियां निकलती हैं। इन पर्वतों से क्या निकलती है, भारत की अधिकतर नदियां निकलती है। जैसे यहाँ एक जगह है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, इसका क्या नाम है भाई, कैलाश पर्वत। ये पूरा वन शॉट आएगा हालांकि, लेकिन वो जो चैप्टर है पूरा नदियों का अलग है। यहाँ हम जो चीज समझने वाले हैं इस नदी के माध्यम से, इसे हम डेल्टा, इसके अंदर क्या समझेंगे, हम डेल्टा को समझेंगे। इसके अंदर नदी विसर्प क्या होता है इसको हम जानेंगे, नदी विसर्प। और एक चीज और हम यहाँ एक्स्ट्रा देखेंगे, वो होती है एस्चुरी। क्या होती है, एस्चुरी, यानी कि दो तीन चीजें हम यहाँ जानने वाले हैं। एक नदी विसर्प होता है, एक डेल्टा होता है, और एक जलोढ़ पंक। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जलोढ़ पंक, इन चीजों को हम देखने वाले हैं इस नदी के माध्यम से। कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत देश जो है, पहले देश हुआ करता था, अब ये चाइना का हिस्सा है, तो इसको मैं चीन में बता देता हूं, ये चीन में है तिब्बत। और यहां एक जगह है इस पर्वत के ऊपर, उस जगह का नाम है बोखरचू। क्या नाम है इस जगह का, नाम बोखरचू। बोखरचू के यहां से एक नदी निकलती है, यहां से सिंगी खबान के इस क्षेत्र से, या फिर शेरमुख भी कहा जाता है इसको, यहाँ से ये नदी निकलती हुई भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए, भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान के कराची होते हुए, सीधी भारत के इस निचले क्षेत्र में, सीधी भारत के इस निचले क्षेत्र में यहाँ अरब सागर में आके मिल जाती है, और इस नदी को हम सिंधु के नाम से जानते हैं। सिंपल लिया बिल्कुल नदी को मैंने, पूरा डिटेल नहीं लिया है क्योंकि आपको मुझे ये चीज़ समझानी है, नदी नहीं समझाना है। नदी तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। बात समझ में आई, नदी पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर नदी में चला जाता है, नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस नदी से हम इन चीज़ों को समझ पाए, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे,
ये जो नदी है कहाँ से निकली, कहाँ जा रही है और क्या बना रही है, इन चीज़ों को हमें देखना है। अब ये जो नदी है इस प्रकार से जा रही है, जम्मू और कश्मीर से होते हुए लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियों के बीच में से कराची होते हुए सीधी अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ नदी जब अरब सागर में गिर रही है तो नदी, अब बात को समझिए, जैसे कि ये नदी है कोई और ये अरब सागर में जा रही है, मान लो वो सिंधु नहीं है और गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र किधर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जबकि सिंधु किस में गिरती है, अरब सागर में। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो नदी है ये इस अरब सागर में आके गिर रही है, ध्यान से समझना, ये जो नदी है इस अरब सागर में आके गिर रही है, तो यहाँ पे गिरने से पहले इसकी गति क्या हो जाएगी, बिल्कुल धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल धीमी हो जाएगी। और जब बिल्कुल धीमी गति हो जाएगी नदी की, चाहे कोई सी भी नदी है, बिल्कुल धीमा सा क्षेत्र बना लेती है, बिल्कुल धीरे धीरे गति करते हुए चलती है, तो वो नदी का क्षेत्र काफी बड़ा सा दिखाई देता है, एक तालाब सा, एक समुद्र सा यूं लहराता हुआ दिखाई देता है, उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे सर डेल्टा तो आपने बता दिया, जहां नदियां धीमी होके मिला करती है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कई प्रकार की नदियां, जैसे ये सिंधु है तो इसके साथ सहयोग नदी भी आती है, इसके साथ गिलगित नदी भी आती है, इसके साथ जो है दार्स और गास्टिंग नदी भी आती है, इसके साथ हुंजा और हुबरा नदी भी आती है, सिंगार नदी भी आती है, तुर्रा नदी भी आती है, कई नदियां, काबुल नदी भी आती है, इस दाहिनी तरफ से काबुल नदी मिलती है इसके अंदर, तो ढेर सारी नदियां इसमें मिलके, जब वो सारी नदियां मिलकर लास्ट में अरब सागर में जाने वाली होगी, बात सिर्फ इतनी सी है कि सारी नदियां मिलके जब अरब सागर में गिरने को उतावली हो रही है, लेकिन वो नहीं गिर पा रही है क्योंकि वो धीमी हो चुकी है, और वो धीमा होना नदियों का डेल्टा कहलाता है। जब ढेर सारी नदियां किसी स्थान पर मिल जाती है और वो धीमी हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं किताबी लैंग्वेज में, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले, ये सिर्फ वर्बली मैं आपको बता रहा हूं। जलोढ़ पंक क्या है, जब नदी पहाड़ों से निकला करती है, जब नदी उफान पे पहाड़ों से निकला करती है, नाग लपेटे लेते हुए उन झरनों के रूप में जब धरती पे आया करती है, पहाड़ से धरती पे आया करती है, जैसे सिंधु है 4164 मीटर ऊपर से आती है पहाड़ से झरने के रूप में, तो वो जैसे आएगी तो पत्थरों के नीचे खो जाती है, दिखाई नहीं देती है, जिसको हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र, तराई। जब नदी कंकड़ों में खो जाती है जैसे ही निकलती है, तो उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तराई क्षेत्र के नाम से। अब तराई से जैसे ही नदी निकलेगी तो वहां आप देखेंगे कि वो जितने भी कंकड़ थे, वो जितने भी भोले शंकर के डमरू की तरह दिखने वाले बड़े बड़े जो कंकड़ थे, बड़े बड़े जो पत्थर थे, बड़ा अवशिष्ट पदार्थ जो था, और बड़े बड़ा जो एक गंदा सा जो कचरा था, वो सारा एक साथ इकट्ठा हो चुका है उस स्थान पर। नदी उस कचरे को छोड़कर आगे की ओर जा चुकी है, और जो कचरा है वो जमा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि जल के साथ लोड होकर जो भी कचरा आया था, जलोढ़ कचरा कहलाया, और वो एक पंख की आकृति बना लेता है। किसकी आकृति बना लेता है, वो एक पंख की आकृति बना लेता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको जलोढ़ बता चुका हूं, जलोढ़ पंख बता चुका हूं, और क्या बता चुका हूं, डेल्टा बता चुका हूं। ध्यान से समझना बात को, नदी जब जा रही है, चल रही है, ऐसे ही ढेर सारी नदियां जब चल रही है, तो लास्ट में नदियां अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जब गिरने वाली होती है, तो उनकी गति धीमी हो जाया करती है। जब उनकी गति धीमी हो जाया करती है, पानी पड़ा सा दिखाई देता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन नदी जब पहाड़ से उतरती है और उस नदी को आगे जब जाना है, तो वो कुछ कंकड़ों को, कुछ पत्थरों को, कुछ अवशिष्ट पदार्थ को यहीं छोड़ देती है, जो उस जल के साथ लोड हो रखे थे, और नदी आगे चली जाया करती है, तो वो जो पंख की एक आकृति बनती है, उसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। दोनों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ गुलगुले समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया ना। जलोढ़ पंख तो कचरा है जो रुक गया था जल के साथ, जो लोड हो रखा था। नदी विसर्प, नदी विसर्प क्या होती है, नदी विसर्प, नदी कभी भी सीधी नहीं चलती है।
आपने देखा होगा कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत टोटल लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। लेकिन नदियों की जब लंबाई हम पढ़ते हैं तो अकेली सिंधु की 2880 किलोमीटर लंबाई है, भारत में 1114 किलोमीटर चलती है। तो मतलब नदियां ऐसे इतनी कैसे चल लेती है, इतना तो लंबा भारत है ही नहीं। क्योंकि नदी यूं ले रही, फिर यूं ले रही, फिर यूं ले रही, फिर यूं ले रही, बाहर नहीं आएगी कैमरे के, है ना। तो सारी नदियां यूं लेरा लेरा के चलती है, उसे कहते हैं नदी सांप की तरह चला करती है। सांप भी तो ऐसे ही चलता है कि नहीं चलता है, गुलगुले चलता है, तो उसे कहते हैं नदी विसर्प। उसे क्या कहते हैं? नदी विसर्प। तीनों चीजें समझ में आ गई। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी सब कुछ खत्म कर देती है, एस्चुरी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ती है। यानी नदी सीधी आई, इतनी उफान के साथ आई, ना तो उसने डेल्टा बनाया, ना उसने जलोढ़ पंक बनाया, ना कोई विसर्प रूप धारण करती है, सीधा आके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसे एस्चुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एस्चुरी कहा जाता है। बताओ ये भूगोल की लैंग्वेज है जो आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। जहां ये शब्द दिखे आप समझ जाना किताबी लैंग्वेज में कैसा लिखा है, वो तो हम देखेंगे। जलोढ़ पंग कचरा इकट्ठा हो जाना है, डेल्टा नदियों का अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले धीमा हो जाना है, नदी विसर्प नदियों का जो है सांप की तरह चलना होता है, एस्चुरी नदी कुछ भी नहीं छोड़ती, सीधा बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में ले जाती है, तो एस्चुरी कहलाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आ ही जाना चाहिए समझ में। आगे देखिए, ये देखिए जलोढ़ पंख। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? जलोढ़ पंख की कुछ बातें पढ़ रहे हैं जो अच्छी अच्छी है और एग्जाम में हमें लिखना है, वो तो समझने के लिए था। निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित का मतलब होता है स्थापित होना, स्थापित होना। बताओ जलोढ़ यानी जल के साथ जो मिट्टी या कचरा या पत्थर थे वो स्थापित हुए कि नहीं हुए? स्थापित होना, स्थापित होना। किसका अर्थ है स्थापित होना? निक्षेपित। स्थल रूप यानी आकृति, स्थल रूप यानी आकृति, यानी कि स्थापित होकर जो आकृति बनती है। क्या स्थापित हो रहा है यहां पे? अवशिष्ट पदार्थ। क्या स्थापित हो रहा है यहां पे? अवशिष्ट यानी कि कचरा, अवशिष्ट पदार्थ स्थापित हो रहा है यहां पे। ये कचरा यहां पे जो है स्थापित हो रहा है। देखिए, प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के कारण। प्रदूषक मतलब ऐसा अवशिष्ट पदार्थ जो गंदा है, जो किसी काम का नहीं है, जो बीमारियों को फैलाता है, वो प्रदूषक कहलाता है। तो बताओ ये जो कचरा था नदी के साथ वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो प्रदूषक के परिवहित यानी चलता रहता है। क्या कह रहा हूं मैं? जैसे ये नदी चलती है इस प्रकार से उसके साथ वो सारा कचरा भी चलता रहता है, जिसके लिए हम प्रदूषक शब्द यूज कर रहे हैं कि नदी जो चल रही है उसके साथ कचरा भी चल रहा है और वो प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित भी हो रहा है, मतलब उसके साथ चला ही जा रहा है और विसरित भी हो रहा है यानी फैले ही जा रहा है। तीनों शब्दों के अर्थ समझो। काल्पनिक रूप से नदी माइंड में रखो, नदी जब चल रही है तो उसके साथ कचरा मतलब प्रदूषक, नदी चल रही है मतलब प्रवाहित या परिवहित हो रही है, और नदी फैले जा रही है मतलब विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो प्रदूषक होता है उसको कई रूपों में पढ़ा जाता है, जैसे जलोढ़ है, जलोढ़ पंक है, एस्चुरी है, डेल्टा है, कई रूप होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी वे स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। क्या मतलब हुआ? पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां सबसे ज्यादा जलोढ़ पंख कहां बनेंगे? जहां नदियां पर्वतों में चलती है, जहां नदियां पर्वतों में चला करती है, भारी और स्थूल, स्थूल यानी बड़े बड़े पत्थर, जो स्थल के पत्थर है, जमीन के बड़े टुकड़े हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर है, उस आकृति के पत्थरों के आकार के नद भार यानी बड़ा भार वहन करती है, और वो नदियां बेचारी उन भार को ढोते हुए चलती रहती है। यानी नदी में कभी बड़ी नदी देखना आप, बड़े बड़े पत्थर उसमें गड़गड़ाहट करते हुए चलते रहते हैं, यानी कि गड़गड़ाहट करते यानी कि लगातार उसमें चलते रहते हैं, नदी वो भार भी सहन करती है। क्या करती है? मंद ढालों पर नदियां ये भार वहन करने में असमर्थ होती है। देखिए, कोई नदी है मान लो, ये पर्वत है, ये क्या है सर? ये तो बोतल है, कोई दिक्कत नहीं, इसे समझ रहे हैं ना? ये
पर्वत है और यहां से कोई नदी निकली, यहां से कोई नदी निकली, तो बताओ यहां तेज चल रही भयंकर ऊपर से आ रही। अब मैं ऊपर से पानी गिराता हूं मान लो ऐसे, तो वो तेज ही है उसकी धार, लेकिन वो जमीन पर उतना स्पीड से थोड़ी चलेगा जितना स्पीड से यहां से आ रहा है। तो जमीन पर उसकी ढाल जो है, वो जमीन पे ये तो ढाल बहुत तेज है इसकी, इसलिए ज्यादा आता है। बताओ बारिश का पानी जितना तेज ऊपर से आता है उतना जमीन पे तेज चल पाता है क्या? नहीं चल पाता, क्योंकि ढाल आगे क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। अब ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती, तो जिसने खेतीबाड़ी वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे कि वो जो पानी चलता है उसके अंदर क्यारी बनाई रहती है, वो पानी आगे नहीं जा पाता क्योंकि आगे मेड टाइप आ जाती है, छोटी सी एक दीवार, ठीक है ना। फिर भी समझो एक बात को, कैसे समझाया जाए आपको इसको। तो जैसे मान लो कि हमने पानी को नीचे उड़ेला, पानी बहुत तेज गति से गया, पानी को हमने नीचे की तरफ उड़ेल दिया, बाल्टी को, पानी बहुत तेज गति से गया, बहुत फास्ट गति से चल रहा है, जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है उसको लेते हुए जा रहा है, तो पहला पॉइंट समझ में आ जाता है, प्रदूषक मिल रहे हैं उसको, उसके साथ वो प्रवाहित होते हुए विस्तृत यानी फैलता जा रहा है, और भारा और स्थूल, भारी और स्थूल जो चीजें हैं उसको भी वो लेते हुए जा रहा है। लेकिन वो जैसे ही बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे देखा कि जमीन ऐसे थी जब तक तो वो तेज चलता गया, जमीन ऐसे थी जब तक तो पानी तेज चलता गया, अब जमीन यहां से ऊपर उठी हुई है, तो क्या वो ऊपर की तरफ जाएगा पानी? तो वहां ढाल कैसी होगी? मंद हो गई पानी के लिए, और पानी जो है ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। ढाल तो ऊंची है लेकिन पानी के लिए वो मंद हो गई, पानी जिस ढाल से आ रहा था वो उसके लिए अब छोटी हो गई, और ऊपर ढाल बढ़ने लग गई, तो अब वो आगे नहीं जा पाएगा, तो असमर्थ हो जाता है, और वो कचरा वहीं स्थापित हो जाता है और बन जाता है जलोढ़पंक। क्या बन जाता है? जलोढ़पंक। आगे देखिए, ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, कभी कभी बेलन की तरह, कभी कभी समकोण की तरह, कभी कभी त्रिभुज की तरह, कभी कभी बिल्कुल मोर के पंख की तरह, कभी कबूतर की पंख की तरह, ये पंख की आकृति बनाता है। जलोढ़ शब्द क्या कहता है? जल के साथ लोड आया हुआ कचरा जब पंख की तरह, किसी पंख की फोटो की तरह जम जाता है धरती पर, तो जलोढ़ पंख कहलाता है। ये अधिकतर शंकु की आकृति का बनता है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया क्या? इतना सिंपल समझ में नहीं आता तो फिर क्या करें? जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्राय अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। अब जलोढ़ पंख के बाद नदी किधर जाएगी उस नदी को खुद को ही नहीं पता, उसका कोई भविष्य ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि नदी का रास्ता चेंज हो चुका है, क्योंकि आगे पत्थर उसको जाने नहीं दे रहे हैं, आगे की ढाल उस नदी को जाने नहीं दे रहे हैं, जो कचरा उसके साथ चल रहा था वो वहीं स्थापित हो गया। आधी नदी इधर जा रही है, आधी नदी इधर जा रही है, आधी नदी इधर जा रही है। क्यों? जैसे चेनाब चंद्र और भागा के रूप में फैल जाती है, ठीक नदी बेचारी किधर जा रही है खुद को ही नहीं पता होता। जैसे कि गंगा जो होती है लास्ट में जाके पद्मा के रूप में भागीरथी से अलग हो जाती है, पहले अलकनंदा के रूप में आती हुई भागीरथी इसमें मिलती है। तो ये नदियां जुड़ती है और टूटती है, क्यों? क्योंकि जलोढ़ पंख बन जाता है बीच में। जलोढ़ पंख मतलब लाडले कचरा। कचरा जब बीच में आ जाता है तो नदी दो भागों में होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पानी हमने जमीन पे छोड़ा, बीच में कचरा आ गया, तो नदी किधर जाएगी? जिधर उसको रास्ता मिलेगा। इसीलिए कहा गया यहां पे अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बट जाती है भाई, ठीक है ना। तो ये जलोढ़ पंख। आगे देखिए, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं, जल वितरिकाएं मतलब यहां से मैंने पानी उड़ेला तो आगे कचरा है पूरा का पूरा, अब नदी जाए किधर? आधी इधर चलेगी, आधी इधर चलेगी, मतलब जल का वितरण हो चुका है, जल की शाखाएं बन चुकी है, जल की धाराएं बन चुकी है। क्या बन चुकी है? जल की धाराएं बन चुकी है। तो मुझे बताओ, एक तो आप पानी का लोटा लोगे, जिसे आप गड्डी भी कह सकते हो, या ग्लास मान लो, आप पानी की ग्लास आप लेंगे, उस पानी को यूं उड़ेलिए, एक ही धार बनेगी। क्या बनेगी? एक ही धार बनेगी। लेकिन उसको अपने सिर पर उड़ेलिए ऐसे, उसकी इधर भी धारा बन रही है, इधर भी धारा बन रही है, इधर भी धारा बन रही है, इधर वाला पानी इधर गया बाथरूम में, इधर वाला इधर गया, इधर वाला इधर गया, पीछे वाला पीछे की तरफ चला गया, पानी की ढेर सारी धाराएं बन गई। ये जल वितरिका कहलाती है, ऐसे ही नदी में लागू होता है। आर्द्र प्रदेश मतलब ठंडे ठंडे कूल कूल, नवरत्न पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्द्र प्रदेश मतलब ऐसे क्षेत्र जो ठंडे हैं, वहां जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा सिर से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। जैसा क्षेत्र रहेगा जलोढ़ पंख वैसा ही बन जाएगा। अगर क्षेत्र उबड़ खाबड़ है तो जलोढ़ पंख यूं उबड़ खाबड़ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा?
बहुत सिंपल, अरे जलोढ़ पंख बहुत सिंपल चीज है। नदी जब जा रही है उसका कचरा रुक जाता है, तो नदी इधर गई वो कचरा जम जाता है, तो उसकी जो फोटो बनती है उस कचरे की वो पंख की जैसी होती है। और जलोढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जल के साथ लोड होकर आया, वो मतलब बैठ के आया जल के साथ पत्थर, ठीक है ना। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में ये त्रिव ढाल वाले उच्च शंकु बनते हैं। ठंडे प्रदेशों में तो कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं, और शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो है उच्च यानी बड़े बनते हैं। ठंडे प्रदेशों में तो कोई आकृति बनेगी जलोढ़ की तो वो छोटी बनेगी, और बड़े वाले गर्म वाले क्षेत्रों में बड़ी आकृति बनेगी। तो ये तो बहुत सिंपल चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए, डेल्टा क्या है। डेल्टा नदियां जब धीमी हो जाया करती है समुद्र में या किसी खाड़ी में गिरने से पहले अपनी गति को बिल्कुल धीमी कर लेती है। जैसे अरब सागर है, मान लो इसमें किसी नदी को गिरना है तो तीन चार नदियां यहाँ आने से पहले धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि इससे डर रही है, क्योंकि उनकी ढाल उसी प्रकार से हो जाती है, तो उसको डेल्टा कहते हैं। अब देखो क्या है, डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही बात ही होते हैं। डेल्टा भी धीमा हो जाता है, जलोढ़ पंख तो कचरा है, डेल्टा पानी है जो धीमा हुआ है। जलोढ़ पंख मतलब कचरा रुक गया और डेल्टा मतलब पानी रुक गया, ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है आपको। लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। डेल्टा जो है थोड़ा आगे जाके देखिए, ये नदी आ रही है यहां से, माना ये नदी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ढाल है चल रही है। अब मान लो यहां थोड़ी सी चढ़ाई आई है, चढ़ाई आई है तो ये जो कचरा था ये यहीं इकट्ठा हो गया, जल के साथ जो पत्थर चल रहे थे लोड होकर वो यहीं इकट्ठे हो गए और यहाँ एक पंख की आकृति बन गई, और ये पानी जो है इधर से जाके फिर वापस एक साथ होके आगे की तरफ जाने लग गया और फिर नदी बन गई। अब यहाँ आ गई, कोई महासागर आ गया या समुद्र आ गया, अब यहाँ गिरना है, इधर से कोई नदी आ रही है उसको भी यहाँ आना है, इधर से कोई नदी आ रही है उसको भी यहाँ आना है, तो यहाँ पानी धीरे हो गया, तो इसको कहेंगे डेल्टा। तो बताओ पहले कौन सी आकृति बनी, पहले जलोढ़ बनी है, यहाँ पे जलोढ़ आकृति यहाँ बन गई पहले से ही, और यहाँ कौन सी बनी है पंख की आकृति की, यहाँ जो आकृति बनी है वो डेल्टा बनी है। डेल्टा तो, डेल्टा तो सिर्फ पानी है, जलोढ़ क्या है कचरा है, जलोढ़ पंख कचरा है पंख की आकृति का, डेल्टा पानी है। तो पहले कौन सा बना, पहले जलोढ़ पंख बना और फिर क्या बना, डेल्टा, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है। लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न है, ये तो पहले ही हो जाता है, ये बाद में होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है, नदी जो भी लाती है उसको समुद्र के पास फेंक देती है। अब पंख बने चाहे कुछ भी बने, ठीक है ना, फिर अंदर चली जाती है। अगर ये नदी कुछ भी नहीं बिखेरती है, जो कचरा है ना नदी जलोढ़ बनाती है ना नदी डेल्टा बनाती है, और सीधी उफान लेती हुई नाग लपेटे लेती हुई सीधी समुद्र के अंदर, ये लो सा दै धड़ाम, क्या कहलाएगा, एस्चुरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्चुरी। कितनी प्यारी ज्योग्राफी है, इतनी सुंदर ज्योग्राफी है, इतनी मस्त ज्योग्राफी है, ये मुस्कुराते हुए पढ़ो यार, इतने दुखी होकर पढ़ने की कहाँ जरूरत है। मैं हूँ ना लने शहर की पूरी टीम है ना, देखो पॉलिटी कितनी शानदार हो रही है, इकोनॉमिक्स कितनी शानदार हो रही है, ज्योग्राफी कितनी शानदार हो रही है ना, फिर भी आप डरते रहते हो, अरे यूँ टेंशन में रहते हो ना। अपने दोस्तों को शेयर वेयर करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, सबको शेयर किया करो, कमजोर बच्चों का भला हो जाए, वो भी तो आपके दोस्त है, ठीक है ना। अब शेयर करोगे तो मेरिट नहीं आएंगे, आपसे आगे नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। क्यों सर, कोई पढ़ने वाला निकल जाए तो क्या दिक्कत है, अपना ही तो दोस्त है, ठीक है ना। नदी आपसे लाए हुए पदार्थ को समुद्र के किनारे बिखेर देती है, बोलती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रही हूँ बस, है ना। अगर ये बाहर समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो ये तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखु के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। जलोढ़ पंख कोई व्यवस्थित नहीं होता, आधा कचरा इधर पड़ा आधा इधर पड़ा, बीच में से नदी निकल गई, दो पंख बन गए वहाँ, उधर और बीच में से नदी निकल गई तो तीन पंख बन गए। पंख मतलब आकृति, पंख जैसी आकृति, ठीक है ना, कोई व्यवस्थित नहीं होता। जबकि डेल्टा व्यवस्थित होता है, सिर्फ पानी तो होता है, पानी के बीच में गैप कैसे आएगा, अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो बात अलग है, बाकी डेल्टा व्यवस्थित होता है। क्योंकि अगर जमीन उबड़ खाबड़ है तो पानी वहां जाएगा ही नहीं, तो डेल्टा बनेगा ही नहीं, डेल्टा वहीं बनेगा जब जमीन सीधी है और वहां पे बन जाता है, तो ये व्यवस्थित होता है। आप याद रखें कि डेल्टा व्यवस्थित होता है, जलोढ़ पंख व्यवस्थित नहीं होता, और एस्चुरी की तो बातें ही निराली है, वो तो रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप जाता है भागते हुए, है ना। ये 1600 मीटर की रनिंग को बहुत फास्ट करने वाला व्यक्ति है एस्चुरी, उसको आप एस्चुरी कह सकते हो, जो नॉन स्टॉप भाग रहा है, कोई पढ़ता ही जाता है रुकता ही नहीं है ना, सुबह हो शाम हो दिन हो रात हो, खाता रहता है पीता रहता है सोता रहता है पढ़ता रहता है, वो एस्चुरी है। और जो छांट छांट के टॉपिक पढ़ता है, फालतू के टॉपिक को छोड़ देते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, वो जलोढ़ पंख है, ठीक है ना। और जो बोर्ड के एग्जाम आने से पहले सोचेंगे क्या लिखूं, फिर बोर्ड के एग्जाम में कूद पड़ते हैं, वो क्या है,
वो डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। अब इससे सिंपल क्या होगा, अगर ये बाहर समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो ये तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाएगा। जलोढ़ पंख विपरीत, डेल्टा निक्षेप यानी फैलाव। निक्षेप मतलब क्या होता है? फैलाव। व्यवस्थित होता है। कैसा होता है? व्यवस्थित। अब तो समझ में आ गया डेल्टा, ठीक है। इनका जलोढ़ स्तरित होता है, मोटे पदार्थ तट के निकट हुए बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं पानी के अंदर। ये देखो, ये अंदर जा रही है नदी, ठीक है ना। ये जो गाद होती है, कचरा होता है, ये यहां भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है, लेकिन यह जलोढ़ पंख नहीं बनेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे जो डेल्टा होता है यानी पानी का फैलाव, डेल्टा मतलब पानी का फैलाव, सिंपल पढ़ो इसको, वैसे वैसे आकार बढ़ता है तो नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है, डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता जाता है। पानी धीरे धीरे सागर के अंदर तक जाता रहता है और धीरे धीरे उसकी आकृति भी बढ़ती रहती है। दैट्स सिंपल। आगे देखिए, यह है नदी विसर्ग, कुछ नहीं है। सांप जैसे चलता है वैसे जो नदी चलती है, देखिए ये नदी विसर्ग है, ये देखिए, ये नदी विसर्ग है। ये इस प्रकार से जो भी नदी चलती है ये नदी विसर्ग होती है और सारी नदियां विसर्ग होती है। सीधी नदी बहुत कम चला करती है, नदी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी लहराती हुई नाग लपेटे लेती हुई चलती है, इसलिए इसे नदी विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी विसर्ग कहा जाता है। विस्तृत बाट वे डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होगी। खुद ही बता रही है कि विस्तृत बाट और डेल्टा मैदान, डेल्टा मैदान किस मैदान को कहेंगे? वो मैदान या वो जमीन जहां डेल्टा सबसे ज्यादा बनता है वो डेल्टा मैदान कहलाते हैं। सिंपल बात है, ठीक है ना। विस्तृत बाट और डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती है। बाट वे डेल्टा मैदानों पर लूप, चैनल, प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। लूप और चैनल का क्या मतलब है? लूप यानी नदी रुकी और थोड़ा सा पानी यहाँ इकट्ठा करके आगे चल गई और फिर लंबी चलती रही फिर रुकी, तो लूप और चैनल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लूप और चैनल का निर्माण होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, विसर्प एक स्थल रूप होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है यानी गति रूप, चैनल की तरह गति रूप में चलती है, ठीक है ना। ये 10 डिग्री चैनल नहीं है जो हमने अक्षांश देशांतर में देखा था। आगे देखिए, नदी विसर्प निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है, यानी नदी विसर्प क्यों होती है, नदी यूं लहराती हुई क्यों चलती है, इसके ढेर सारे कारण है। अब वो ढेर सारे कारण क्या है? सबसे पहले नदी विसर्प इसलिए होती है कि मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, यानी धीमे धीमे चलते चलते नदी अचानक से फास्ट हो जाती है यूं लहराती हुई इस प्रकार से, तो वो कटाव कर देती है। क्या कर देती है? कटाव कर देती है। और कटाव करने की वजह से नदी उसी क्षेत्र में भी बढ़ जाती है आगे की तरफ। जैसे मान लो पानी आ रहा है और आगे ढाल है इस प्रकार से, तो पानी तेज हुआ तो पास की मिट्टी को भी ले लिया उसने, और मिट्टी ऐसी है कि आगे कटती गई तो नदी उस तरफ भी बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो नदी विसर्प बढ़ गया। जैसे देखो, ये नदी चल रही है और यहां कट लगा, यहाँ पे क्या लगा? कट लगा पानी का, और ये मिट्टी फैलती गई और यहाँ से पानी जो है इस तरफ चलने लगा। ये देखिए, ये चल रहा है पानी, ये इस तरफ भी पानी चला गया और वापस आके इसमें मिल गया, इधर भी पानी चला गया और ये एक नदी बन जाएगी। नदी इधर से जा रही है इस प्रकार से और यहाँ से कट लगा तो नदी इस तरफ भी निकल गई। तो ये जो कट लग रहे हैं ये मंद ढाल की वजह से लग रहे हैं, और मंद ढाल का मतलब होता है हल्की ढाल जो है उसमें नदी तेज चला करती है। नदी क्या चला करती है? तेज चला करती है। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्षैतिज और पार्श्विक का मतलब क्या है? तेज गति से चलती है, बस इतना याद रखो। प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होती है। कोरियोलिस बल जो है गति प्रदान करता है किसी वस्तु को। कोरियोलिस बल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि गति देता है और उसके कारण जो है चीजों की, हवा की, वायु की, पानी की दिशाएं चेंज हो जाती है, तो यह प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। गोखुर झील का मतलब होता है गाय का जो पैर होता है, गाय के पैर का जो नाखून होता है उस प्रकार की यहाँ एक झील बन जाती है, उसको गोखुर झील बना कहते हैं हम। ये क्यों बनती है? अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण। जैसे कि ये नदी जा रही है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कि गोखुर झील क्या होती है। ये नदी आ रही है, सबको दिख रही है, यहाँ से दिख रही है, यहाँ से आती हुई नदी। अब यहाँ से थोड़ा सा कट लगा मंद ढाल की वजह से, कट लगा तो पानी आ गया, पानी आया तो यहाँ देखिए पानी इकट्ठा हो गया। अब आगे जो है ढाल नहीं है तो ये पानी यहीं इकट्ठा हो गया, ये पानी जो है इसी जगह इकट्ठा हो गया। ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि गोखुर झील कैसे बनती है। ये पानी देखिए आप, इस जगह इकट्ठा हो गया, इधर से आया था
और इस जगह इकट्ठा हो गया, तो ये गाय के पैर का जो नाखून होता है उसकी तरह एक झील बन गई। अब एक चीज और बनाते हैं, जैसे कि इस जगह से थोड़ा सा पानी निकला और इधर से आया और यहाँ भी देखो एक झील बन गई। इस प्रकार से आगे की तरफ नहीं जा पाई तो यहाँ भी एक झील बन गई, ठीक है ना। और छोटी छोटी झील हम यहाँ बना सकते हैं, इधर से थोड़ा सा पानी आया मानो और इधर जाने लग गया, आगे ढाल नहीं है तो यहाँ एक झील बन गई, ये भी एक गोखुर की आकृति की झील बन गई। तो ऐसे झील बन जाती है, ऐसे गाय के नाखून की आकृति की यूँ झील बन जाया करती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। पानी जब आगे चला जाता है तो नदी वितरका बन जाती है, नदी आगे की तरफ और बढ़ जाती है और पानी आगे नहीं जा पाता है तो वहाँ पर एक झील बन जाती है। झील मतलब पानी का इकट्ठा होना होता है, जिसे लेक कहते हैं। हर जगह आपने देखा ही होगा, ऑक्सबो लेक इसे कह सकते हैं हम, गोखुर झील, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये क्या था, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने एक एक करके पढ़ी, एक एक करके समझा, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। यहां हमने चार चीजों को देखा, एक तो एस्चुरी क्या होता है, एक गोखुर झील क्या होता है, एक डेल्टा क्या होता है, एक जलोड पंक क्या होता है और किस प्रकार से ये बनते हैं। आपको क्रम याद रखना है, पहले जलोड पंक बनेगा, जलोड पंक के बाद डेल्टा बनेगा। अगर डेल्टा और जलोड पंक दोनों नहीं बन रहे हैं तो सीधा एस्चुरी बनेगा और साइडों में जो बनती रहती है जिले, उसे हम गोखुर जिले कहते हैं। मिलते हैं एक अगले प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।